किसान की शर्तें चार, क्या मान जाएगी सरकार। इस बीच आ रही है बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी मिली है। राकेश टिकैत को फोन पर मिली है जान से मारने की धमकी। शिकायत पर FIR भी दर्ज की गई है। टिकैत के निजी सहायक अर्जुन ने यह शिकायत दर्ज कराई है। फोन नंबर को सर्विलांस पर डाला गया है, यह पुलिस वालों का कहना है। फोन करने वाले की पहचान करने की कोशिश जारी है, यानी किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी मिली है। टिकैत के निजी सहायक ने शिकायत भी दर्ज कराई है। अभी की बड़ी खबर, फोन करने वाले की पहचान करने की कोशिश अभी भी जारी है। जी मौजूद हैं, आज 32वां दिन है, सीधे उनसे यहाँ बात कर लेते हैं। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर वो लगातार मौजूद हैं। 32वां दिन, हमने सुना रात को धमकी मिली है, कौन है वो शख्स, कुछ अभी पता लग पाया है? वो तो प्रशासन को पता होगा, हमने तो नंबर दे दिया था, भाई ये नंबर है, इसको आप ट्रेस कर लो। क्या बोला उसने, थोड़ा सा जानना चाहेंगे? बिहार का हथियार को सप्लाई करने की बात कर रहा था पहले, तो फिर उसने मारने की करी। हथियारों को मैंने करा, भाई यहाँ तो चाहिए नहीं हथियार की, तो कोई जरूरत नहीं यहाँ। आपको लगता है जान को खतरा है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन अब पूरा व्यापक रूप में, ये ठीक हो जाएगा यहाँ से, हिंदू मनावली कह जाएगा, और क्या को 70 साल 100 साल और जीना है। नहीं नहीं, कोई ये नहीं चाहेगा कि ऐसा आपके साथ हो, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? कह रहा हूँ ना, पुलिस लगा रखी सब यहाँ पे, और हमने भी पूरा जो लोग है की इस तरह के जो इलीगल तरीके से जो लोग आते हैं, जिनके विचारधारा क्या है उनकी, ठीक है, हमारा तो किसी के खिलाफ वो रहता नहीं। तो ये इलीगल एक्टिविटी इस आंदोलन में इस तरह से इन्वॉल्व करना, कहीं से भी इन्वॉल्व करना, आपको लगता है आंदोलन को भटकाने के लिए सब किया जा रहा है? यही होता है। कुछ ट्रैक्टर अभी भी रोके गए? रोक लेते हैं, ये भी तो ट्रैक्टर ही रोक रखा है। ये देखो, ये रात की घटना है, और ये यहाँ से ये 40 किलोमीटर दूर की घटना है। ये जो ट्रैक्टर में हुआ, क्या थोड़ा सा इसके बारे में? ये पूरा अटैयो भाई, ये पूरा ये टक्कर लग रही है ट्रैक्टरों की, ये पत्थर लगा के अटैयो, ये पत्थर रखते हैं सड़कों पे, इनको ट्रैक्टरों को रोकते हैं, ये ट्रैक्टर रुकते हैं।